16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में हो रहा है, लेकिन इस बैठक को लेकर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा दुनिया भर में हो रही है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। एक्सीलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। मौके पर जिनपिंग ने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। चीनी मीडिया में इस मुलाकात की खासी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत चीन में रूस की वजह से ये करीबी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चीन में इस बात पर चर्चा जोरों से चल रही है कि पुतिन ही हैं जो मोदी और जिनपिंग को करीब लेकर आए हैं और दोनों देशों के बीच के रिश्ते को सुधारने में पुतिन ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं भारतीय मीडिया में भी लगभग ऐसी ही बात सामने आ रही है। समझा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच के गतिरोध को खत्म करने में एक तरफ जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका मानी जा रही है, वहीं मोदी और जिनपिंग को बातचीत की टेबल तक पहुंचाने में पुतिन का भी बहुत बड़ा रोल है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद जिस तरह रूस को अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों ने कई आर्थिक पाबंदियां लगाकर उसे अलग थलग कर दिया, ऐसे में चीन और भारत जैसे देश ही थे जिसने उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। भारत और चीन संभवतः दो ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर न तो खुलकर रूस का समर्थन किया और न ही विरोध। ऐसे में पुतिन समझ गए कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की पाबंदियों को झेलने और पावर बैलेंसिंग करने के लिए भारत और चीन के साथ उसे अपने रिश्ते को मजबूती देनी होगी और इन दोनों देशों को साथ लेकर चलना जरूरी होगा। लिहाजा रूस ने चीन और भारत को साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाई और इसके लिए जरूरी यह भी था कि चीन और भारत भी साथ आए। कहा जा रहा है कि यहीं से पुतिन ने पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच के सैन्य गतिरोध को खत्म करने के प्रयास शुरू कर दिए जो दोनों देशों के बीच के रिश्ते के बीच तनाव का एक अहम कारण बना हुआ था। ऐसे में अचानक 12 सितंबर को एनएसए अजीत डोभाल पुतिन से मुलाकात करने रूस पहुंचे थे। डोभाल के रूस दौरे पर सबको हैरानी हुई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा देने डोभाल रूस गए थे, लेकिन जानकारों का कहना है कि असल में पुतिन और डोभाल की बैठक का मकसद भारत और चीन के बीच के गतिरोध को खत्म करना था। डोभाल ने पुतिन से मिलने के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी और इसके ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री वांग पुतिन से मिलने पहुंचे।
बात यही खत्म नहीं हुई। बाद में डोभाल और वांग यी ने भी एक दूसरे से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार तरीके से कभी जयशंकर तो कभी डोभाल को वांग यी से मुलाकात कराई और इस तरह दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। चीन आखिरकार पूर्वी लद्दाख में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने पर राजी हो गया है। भारत ने चीन के साथ सामान्य संबंध बहाल करने के लिए यही बुनियादी शर्त रखी थी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उन इलाकों से हटना होगा जहाँ उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था और चीन ने अब भारत की यह शर्त मान ली तो मोदी और जिनपिंग बातचीत की टेबल तक आ गए।